की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी तीन ऐसे प्राणायाम का अभ्यास जो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे, हमारे मन को शांत रखेंगे। देखिए, भीषण गर्मी से निपटने के लिए हम सभी के पास कई सारे साधन हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कूलर हो, एसी हो, पंखा हो और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन इससे तो जो बाहरी शरीर है उसको ठंडा किया जा सकता है ना, लेकिन मन को शांत रखना, शरीर को अंदर से ठंडा रखना, इसके लिए इन प्राणायाम का अभ्यास आप निरंतर कर सकते हैं। ये प्राचीन जो प्राणायाम है, टेक्निक है, हमारे ऋषि और मुनि अपनी कठिन तपस्या में लीन रहने के लिए इस तरीके के प्राणायाम का अभ्यास करते थे, ताकि उनका मन जो है बहुत शांत रहे, शरीर बहुत रिलैक्स रहे और अपनी साधना में वो आगे बढ़ते जाएं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को इन तीनों प्राणायाम को सिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं ये पता चलेगा, कब करना है, कितना करना है ये पता चलेगा, साथ ही इन प्राणायाम के अभ्यास कूलिंग इफेक्ट के अलावा और क्या क्या है, यानी बेनिफिट्स क्या है, और साथ ही किन लोगों को इन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, कितनी सारी चीज़ें मुझे बताना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप इस तरीके से पालती मार के बैठ जाएं आराम से। अगर आपके घुटने में दर्द है और पालती मार के बैठने में आप असमर्थ हैं तो कुर्सी पर बैठ के भी इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो, कंधे रिलैक्स हो, गर्दन सीधी हो और चेहरा इस तरीके से जैसे कि आप सामने किसी से बात कर रहे हों उस तरीके से हो, ऐसे नीचे झुका हुआ ना हो या ऐसे ढीले नहीं बैठेंगे, ठीक है। और दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रख लेंगे, अपने अंगूठे को अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ ऐसे जोड़कर बाकी की तीन उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे खींची हुई होंगी। अब उसके बाद अपने दाहिने हाथ से हम मुद्रा लगा रहे हैं इस तरीके से, विष्णु मुद्रा, ठीक है। अब इस मुद्रा को लगाने के बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर लिया, अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, 1 2 3 4, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, 1 2 3 4, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ये हो गया एक चक्कर। ऐसे आपको नंबर की काउंटिंग नहीं करनी है, मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए कि सांसें कितनी लंबी लेनी है और कितनी लंबी छोड़नी है, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो कैसे अभ्यास करेंगे, सांस लेंगे लेफ्ट से धीरे से, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस को छोड़ देंगे, फिर राइट से सांस को लेंगे, राइट नाक को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है। तो शुरू के कुछ हफ्ते तक तो आपको जितनी सांस ली उतनी ही सांस दूसरे नासिका से छोड़ देनी है, फिर जिस नासिका से सांस छोड़ी थी उसी नासिका से सांस लेके पहली नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना, ऐसा एक चक्कर हो गया। इसके आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे बैठे आराम से अभ्यास करें और इस अभ्यास के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। तो हर दिन 15 मिनट इसका अभ्यास करना है। फिर से देखिए एक बार, सांस लिया लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को छोड़ दिया, फिर राइट से सांस लिया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। एक बार और देखिए, लेफ्ट से सांस लिया और राइट से सांस को छोड़ दिया,
राइट से सांस लिया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया, धीरे 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 धीरे। अब अपने हाथ को इस तरीके से घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कहीं भी सांसों को रोका नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जब कुछ हफ्तों का अभ्यास इस तरीके से रेशियो 1:1 पे हो जाए तो रेशियो बढ़ाकर 1:2 कर दीजिएगा, यानी जितनी सांस ले रहे हैं उससे दुगनी सांस आपने दूसरी नासिका से छोड़ा, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और पहली नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से दोगुनी सांसों को छोड़ेंगे। फिर से यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ब्रेथ रिटेंशन नहीं है, तो इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट की या कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे, लेफ्ट से सांस लिया, ज़रा रेशियो देखें, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब राइट ने से सांस छोड़ दिया तो राइट से फिर से सांस लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिना गिनती किए देखिए दो बार और, सांस लिया लेफ्ट से, जितनी सांस ली थी उससे दोगुनी सांस को राइट से छोड़ेंगे, धीरे 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 राइट से सांस को छोड़ दिया, फिर राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए, धीरे 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 धीरे। एक बार और देखिए, लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट से सांस को छोड़ा, राइट से सांस लिया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया, इस तरीके से। अब इन प्राणायाम का अभ्यास कितने वक्त तक करना है, तो अनुलोम विलोम का अभ्यास हर दिन 10 से 15 मिनट आपको अभ्यास करना ही करना है, और इसका अभ्यास दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त कर सकते हैं बिना ब्रेथ को रिटेन किए, अगर आप इस तरीके का अभ्यास करते हैं। इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके जो ब्रेन की कार्यक्षमता है वो इम्प्रूव होती है, आपका जो दिमाग है वो ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। चिड़चिड़ापन अगर आपको आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद दूसरा अभ्यास जो आप करेंगे, इसका नाम है शीतली प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शीतलता मिलने वाली है। करना कैसे है ज़रा देखें, आराम से कमर गर्दन को सीधी करके बैठे हुए हैं, जीभ को बाहर खींचेंगे इस तरीके से और जीभ का एक ट्यूब बना लेंगे, मुंह से सांस लेंगे इस सांस को पी जाएं, मुंह बंद करके रखें और फिर उसके बाद अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे 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 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर से देखें, सांस लेंगे मुंह से, पूरी सांसों को पी गए, जैसे पानी पीते हैं, खाना गटक जाते हैं ना, उस तरीके से गटक गए, रोक के रखें सांसों को जब तक रोक सकते हैं, बहुत देर तक नहीं रोकना है, और फिर अपनी राइट नासिका को बंद किया और लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर जाते हुए देखेंगे। लेकिन हर एक अभ्यास जब भी आप योग में करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आँखों को बंद करके अभ्यास करें। आँखों को बंद कर लिया है, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखा है, मुँह से सांस ले रहे हैं, पी गए सांसों को, रोक के रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर उसके बाद राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया, इस तरीके से। एक बार और देखें, सांस ले मुंह से, गटक जाएं सांसों को, रोक के रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अपनी राइट नास्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, धीरे 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 धीरे, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से सांस को 8 काउंट तक नहीं रोक पाते हैं तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे, ये भी देख लीजिए। बिना ब्रेथ रिटेंशन किए हुए, जिनको अभी
कार्डियक कंडीशन है या कि फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो लोग सांसों को रोके नहीं, है ना। तो कैसे अभ्यास करेंगे? पी गए सांस को, फिर उसके बाद अपनी राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। कीपिंग इट वेरी सिंपल, दो बार और सांस लेंगे मुंह से, घटक गए सांस को और फिर राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। एक बार और सांस लेंगे मुंह से, घटक गए और राइट नासिका को बंद किया और लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ दिया। हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर लें, कम से कम एक मिनट बैठ जाएं शांति से, और अगर ज्यादा वक्त है तो 5 मिनट शांति से बैठे रहें। अब बढ़ते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। ये भी एक कूलिंग प्राणायाम है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये भी आपके शरीर को शीतलता देगा। जो भी लोग जीभ को ऐसे नहीं मोड़ पाते, बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी जीभ की इतनी नहीं होती है, तो आपको आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है ऐसे। फिर उसके बाद मुंह से सांस लेंगे, जैसे हमने शीतली का अभ्यास किया था ना, सेम उसी तरीके से सांस लिया मुंह से, रोक लें सांसों को और फिर अपनी राइट नास्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। सांस लें मुंह से, रोक लें सांसों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें। आप में से बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से ही क्यों सांस छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये गर्म सांसें हैं, लेफ्ट नासिका हमारी ठंडी नासिका है, तो गर्म सांसों को ठंडी नासिका से बाहर छोड़ रहे हैं, सिर्फ इतना सा कारण है। फिर से देखिए, आराम से आंखों को बंद कर लिया है, दोनों दांतों को जोड़ लिया है, मुंह से सांस ले रहे हैं, रोक लिया सांसों को और अपनी राइट नासिका को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें। कंप्लीट बिगनर हैं, सांसों को रोकने में दिक्कत आ रही है, तो बिना सांसों को रोके हुए अभ्यास कैसे करेंगे? देखें, सांस लें मुंह से, बंद कर लें मुंह, सांसों को घटक जाएं, राइट नासिका को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। दो बार और अभ्यास देखें, सांस लें मुंह से, राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। एक बार और सांस लें मुंह से, राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें, आंख एक मिनट तक तो बंद करके ही रखें, शांति से बैठे रहें, और ज्यादा वक्त है तो 5 से 10 मिनट तक शांति से ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब शीतली और शीतकारी कब करना है? शीतली और शीतकारी को कोशिश करें आप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह कर लें, क्योंकि सुबह से ही तो सूरज का उगना, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, फिर दोपहर में पीक पे आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सूरज ठंडा हो गया, प्रकृति ठंडी हो गई, तो बॉडी को फिर कूल डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें। कितनी बार करना है? कम से कम 5 से 10 मिनट तो शीतली का अभ्यास आपको जरूर, शीतली और शीतकारी का अभ्यास जरूर से जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं इन प्राणायाम के कुछ और बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके शरीर को ना सिर्फ बाहर शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से शांत और रिलैक्स करेगा।
गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता है, उस गुस्से को शांत करेगा, चिड़चिड़ापन को कम करेगा, साथ ही आपकी चेहरे पर ग्लो नेचुरली प्रमोट करेगा, फुड़िया, फुंसी, झाइयाँ, एजिंग के इफेक्ट को कम करेगा, आपके मुंह के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। मैंने बताया ना, मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उससे गम्स की हेल्थ अच्छी होगी। मुंह में सलाइवा आने से जो खाना है उसको पचने में आसानी होती है। साथ ही जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन लोगों के लिए तो रामबाण इलाज है। साथ ही अगर आपकी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है और उस सर्जरी से आप उबर रहे हैं, हील करना चाहते हैं बॉडी को नेचुरली, तो आपको ये सारे प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। अब किन लोगों को इन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है? देखिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास तो हर कोई कर सकता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं, कोई भी करें। लेकिन शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है खाना डाइजेस्ट करने में, तो फिर आप इसका अभ्यास कम से कम 5 से 7 राउंड ही करें, फिर 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास ना किया करें। अगर आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर डाउन है, अगर आप डिप्रेस हैं, तो आप 5 से 7 राउंड करें। ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, करना है, लेकिन सिर्फ 5 से 7 राउंड करना है और इससे ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है, ठीक है ना? तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप वक्त निकाल लें कितने कितने देर तक करना है, जैसे कि मैंने बताया अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट, शीतली और शीतकारी का अभ्यास 5-5 मिनट, 10-10 मिनट अभ्यास कर लें। जो जिनमें मैंने लाभ बताए हैं वो तो कम से कम 10 से 15 मिनट कर लें, जिनको मैंने मना किया है वो कम से कम 5 से 7 राउंड करें, यानी 5 मिनट अभ्यास कर लें, दैट्स इट। अब देखिए, बोनस टिप मैं बता दूं, अगर आप रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं तो इन प्राणायाम का अभ्यास कब कर सकते हैं? जब आप अपनी सारी प्रैक्टिसेस कर लें, यानी सूक्ष्म व्यायाम कर लें, आसन का अभ्यास कर लें, तो फिर उसके बाद इन प्राणायाम का अभ्यास कर लें और फिर उसके बाद लास्ट में मेडिटेशन करें। और अगर वैसे आप अभ्यास कर रहे हैं ना, तो इन प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर किया करें। मेडिटेशन के अभ्यास से भी प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी कूल रहती है और आप शांत और रिलैक्स रहते हैं। कैसे करना है मेडिटेशन का अभ्यास? दोनों हाथों को आपने घुटने पर रख दिया, आँखों को बंद कर लिया, कमर गर्दन को सीधी रखा, और जैसे मैंने बताया हर एक अभ्यास के बाद 1 मिनट शांत बैठें, और अगर ज़्यादा वक्त है तो 5 से 10 मिनट बैठ जाएं। तो इसी तरीके से शांत बैठे हुए अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लेके आएंगे और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, कैसी आ रही हैं सांसें, कैसी जा रही हैं सांसें, इन सांसों को आता और जाता हुआ देखेंगे। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन आपको जानना है कि मन का भटकने का काम है, और शांत बैठे हुए अपनी सांसों को देखते रहेंगे। जितनी बार मन भटकेगा उतनी बार सांसों को देखने का काम करते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी निगरानी में रह के आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप बिगनर हैं, पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, या कि आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं और आप अपनी प्रैक्टिस को और डीपन करना चाहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें सीखना चाहते हैं, या कि फिर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज हैं। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, उनको अपनी निगरानी में योग का अभ्यास करवाती हूँ, ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन से उभर भी सके और अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन की टेक्निक, रिलैक्सेशन की टेक्निक सीख सके और उसको प्रतिदिन अभ्यास कर सके। आज जब मेरे स्टूडेंट्स प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं तो कई सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस से उबरने में उनको मदद मिली है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, रात में बहुत से लोगों को नींद नहीं आती थी, अच्छी नींद आने लगी है, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, PCOD, PCOS की समस्या, मीनोपॉज की तरफ जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो हार्मोन्स का बहुत फ्लक्चुएशन होता है, और भी बहुत सी ऐसी परेशानियों से उनको उबरने का मौका मिला है। अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाहते, जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे द्वारा कुछ योगा कोर्सेज डेवलप किए हैं, जैसे कि योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स। इन कोर्सेज को परचेज करके आप अपने घर पर अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी वक्त किसी भी जगह
इन वीडियोस को प्ले करके अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, www.yogawithshahida.com। मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या कि फिर मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासेस के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। इन कोर्सेज को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। तो फटाफट मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि व्हाट्सएप कीजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको इन तीन प्राणायाम का अभ्यास सिखाया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने अपना काम कर दिया कि आपको ये प्राणायाम का अभ्यास सिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि खुद भी इन अभ्यासों को करना है और अपने परिवार वालों को भी अपने साथ योग का अभ्यास करवाना है, क्योंकि अभ्यास जो है निरंतर हो और आसपास के लोग भी जब आपके साथ योग का अभ्यास करेंगे तो आपको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फ़ायदा होगा ना, तो तुरंत इस लिंक को कॉपी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास खूब फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो फटाफट मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियोस बना के। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक नमस्ते।